अंडे और बेसन से बनने वाला हलवा, आप कह ही नहीं सकते इतना स्वादिष्ट हलवा है। चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक कटोरी बेसन और एक एग से हमने ये हलवा रेडी किया है। आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी बेसन और एक अंडे से बनाएं इतना स्वादिष्ट हलवा, जब एक बार खाएंगे फ्रेंड्स बार बार बनाकर खाएंगे। ये रेसिपी आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है मेरे चैनल पंजाबी कुकिंग तड़का में। आज हम आपके साथ में जो रेसिपी शेयर करेंगे, बेसन और अंडे से बनने वाला स्वादिष्ट और बहुत यम्मी हलवा। वीडियो को पूरा वॉच करें फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये हलवा बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग लिया है और एक कटोरी यहाँ पर बेसन लिया है। एक कढ़ाई मैंने यहाँ पर ली है जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुकी है। 150 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर घी लिया है, कोई भी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम गर्म होने देते हैं, फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेसन। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बेसन ऐड कर देंगे। ये एक कटोरी बेसन हमने इसमें ऐड कर दिया है। बेसन को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर बेसन को हमें बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, इस चीज़ का आप खास करके ख्याल रखें कि आपको बिल्कुल भी बेसन को यहाँ जलने नहीं देना है। मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से यहाँ पर हमने बेसन को भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए बेसन भुनना स्टार्ट हो चुका है। बेसन को हमने लगातार चलाते हुए भूनना है। बेसन को बिल्कुल भी हम यहाँ पर जलने नहीं देंगे। कढ़ाई से बिल्कुल भी बेसन चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो बेसन जल जाएगा। ऐसे ही लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसे भूनना है। गैस के फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे। ऐसे ही लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर हमने बेसन को गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स। बेसन का कलर यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अभी 5 से 6 मिनट और लगेंगे, हमने इसको लाइट गोल्डन पर फ्राई करना है। ऐसे लगातार हम इसे चलाते हुए कुक करेंगे। बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे वन एग जो हमने लिया था, वन एग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। पानी ऐड करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने एग इसके अंदर तोड़ देना है, डायरेक्ट हम एग इसी के अंदर तोड़ेंगे। और हमने इसे लगातार चलाते हुए गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पर कर दिया है, बिल्कुल स्लो कर दिया है। लगातार चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने नारियल का क्रश किया हुआ चूरा लिया था और ये 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी बेसन था। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक चीनी कम कर सकते हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे पानी, 1 गिलास के करीब हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है।
अब हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही ऐसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। एक बॉईल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम यहाँ 1 से 2 स्पून इसमें घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही ऐड करें। ये देखिए हलवा यहाँ पर ठीक होना स्टार्ट हो चुका है। अब लगातार चलाते हुए हमने इसे ऐसे ही कुक कर लेना है। आप देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी हलवा बनकर। ये देखिए फ्रेंड्स हलवा यहाँ पर अच्छे से ठीक हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे लगातार चलाते हुए और कुक करेंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हलवा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, चलिए हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। आप देखेंगे कितना लाजवाब हलवा बनकर यहाँ पर रेडी हुआ है, इतना यम्मी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप देखेंगे इतना मज़ेदार बना है। आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया होगा और ना ही आपने इसको कभी बनाया होगा, इतना यम्मी और स्वादिष्ट हलवा। आप जब इसे एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये कितना टेस्टी है। आप इसे हर रोज़ बनाकर खाएंगे, जब भी कुछ मीठा खाने का मन होगा ये झटपट से तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए हमने यहाँ पर कुछ नट्स लिए हैं इसको गार्निश करने के लिए। नट्स ऑप्शनल हैं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आपकी पसंद का। ये देखिए यम्मी और स्वादिष्ट हलवा बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।